हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लालको माइक्रो प्रोसेसर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। इसे यूज़ कैसे करना है बता देता हूँ। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के साथ ये एसेसरीज आती हैं, जिसका मैनुअल है, इसका कंप्लीट मैनुअल है। कैसे ऑपरेट करना है बहुत इजी है, आपको इजी वे में बता देता हूँ। ये इसकी एसेसरीज है। एसेसरीज में मेल्टिंग पॉइंट आएगी, ये कैपिलरी का एक पैकेट आएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए आएगी कैपिलरी एक, और ये इसे क्लियर करने के लिए एक वो आता है जिसके होल्स होते हैं उसे क्लियर करने के लिए, इनके अंदर कैपिलरी टूट जाए, ठीक है। आपको बता दूँ यूज़ कैसे करना है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आगे स्विचेज हैं, ये कैपिलरी पॉइंट है जहाँ पे हमें कैपिलरी लगानी है। 3 पॉइंट्स ये है, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, बड़ी कैपिलरी के लिए। ये मिरर है व्यू देखने के लिए कैपिलरी का। डिस्प्ले है, ये है। इनके अंदर कैपिलरी टूट जाती है तो इसे हम खींच के कैपिलरी नीचे गिर जाएगी। इससे इनके कैपिलरी टूट जाती है ना, तो इसे हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो कैपिलरी नीचे गिर जाएगी। पीछे इसका लाइट लगी हुई है, एलईडी लाइट होती है, बैक से एलईडी लाइट आती है, इसे कम ज़्यादा करने के लिए है। ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये मेन प्लग है, ठीक है। ये इसके अंदर फैन है, फैन तब वर्क करता है जब इसे हम इसका वर्क पूरा हो जाता है, जब ये गर्म हो जाता है, जब इसे हम लाइट में डाल देंगे, आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या करना है, हमने इसे पीछे से ऑन कर देना है। ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद क्या करना है, हमने इसके अंदर कैपिलरी में हमने पाउडर भर लेना है, ऐसी कैपिलरी होगी, ठीक है, इसमें हमने पाउडर भर लेना है। जो भी हमने सैंपल चेक करना है, सैंपल इसमें हमने ले लेना है। इसके सैंपल हमने इसके अंदर लगा देना है। पीछे से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं लाइट को। ये आगे की लाइट है, लाइट कम ज़्यादा करने के लिए, कम होगी लाइट, ठीक है। ये पीछे की एलईडी, ये पीछे का है ना, देखो पीछे से एलईडी ग्लो करने के लिए है। जैसे हमें सैंपल दिखे, मेरा सैंपल है, ये देखो सैंपल दिख रहा है हमारा, इसमें क्लियर दिख रहा है, मेल्ट होगा तो दिख जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा पीस ऑन हो गया है, रेडी हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट का बटन दबा देना है। अभी ये स्टॉप के ऊपर है, स्टार्ट रन एंड मेल्ट, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया, ये रन होना स्टार्ट हो गया, मतलब हीटिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। ये हीट का बटन है, हीट गेन का, ठीक है। इसे हम ऑटो में रख सकते हैं, लो रखना है लो रख सकते हैं, हाइट हाई करना है, बटन दबा के ये चेंज हो जाएगा, ये लाइट अप डाउन हो जाएगी। रीसेट का मतलब है जब ये काम हो जाएगा इसे आप रीसेट कर सकते हो टेम्परेचर को। ये प्रेजेंट वैल्यू दिखाएगा टेम्परेचर की कौन सी है, और ये तब दिखाएगा जब हमारा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हीटिंग हो रही है, जो इसकी हीटिंग पॉइंट आएगा जब ये मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर कैपिलरी में ऐसे सामने से दिखेगा जब मेल्ट हो जाएगा। आपको सामने देख के देखना पड़ेगा, जब हो जाएगा मेल्ट तो हमने क्या करना है, इसका मेल्ट का बटन दबाना है। जैसे ही कैपिलरी में आपको दिखेगा कि मेल्ट हो गया है, बिल्कुल लिक्विड बन गया है, तो आपने मेल्ट का बटन दबा देना है, ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा।
अब क्या है, इसके होने के बाद आपने इसकी प्रेजेंट, ये इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट आ गया, इसका कैपिलरी का जो सैंपल उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ये पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ये हीट होगी अंदर गर्म हुई होगी तो उसका प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। इसे आप रीसेट कर सकते हो, रीसेट हो गया वो आपका जो टेम्परेचर हट गया, अभी रीसेट इसके वैल्यू आ गई है। ओके, थैंक यू।